जिस तरह तुहानू सारे नू पता है कि दीपक टीलू जिहड़ा गैंगस्टर शुभदीप सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस दे विच अरैसटिड सीगा वो मानसा की पुलिस कस्टडी चो फरार हो गया सी। एक और 2 अक्टूबर की इंटरवीनी नाइट से उस संबंध दे विच सिटी मानसा दे विच FIR दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई सी और ये सारा केस जिहड़ा कंप्लीटली वर्कआउट हो गया। इसे टोटली 9 मुलजम जिहड़े है 9 मुलजम साढ़े नॉमीनेटेड सी ते 9 दे 9 जिहड़े है अरैस हो चुके ने। तो इन्वेस्टिगेशन साड़ी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी डिटेल्स मैं आप जी नाल शेयर करनी चाहुंदा कि 9 मुलजमां दे विचों 7 मुलजम पंजाब पुलिस साड़ी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एक प्रीमियर एजेंसी बनाई हुई विंग उहदे ऑफिसर साहिबान पटियाला पुलिस मानसा पुलिस सारा कोऑर्डिनेट एफर्ट्स जिहड़ा है वो करके केस ट्रेस होया। इस केस की सीरीयसनैस नूं देखते हुए साढ़े DGP साहब ने एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की थी सी अंडर IG पटियाला रेंज मेरे थले मेरे नाल साढ़े बड़े सीनियर अफसर ने श्री रुपिंदरजीत सिंह कौमण AIG AGTF SSC मानसा ते बिक्रम बराड़ जिहड़े साढ़े DSP AGTF है। फर्दर असी CA इंस्पैक्टर पटियाला शमिंदर SPD पटियाला होर अफसर सुबान दियाँ सब टीमां बना के इसनों बड़ी डिटेल दे विच इन्वेस्टिगेट किया और फाइनली ये साडा केस कंकलूड हो गया। सर 9 मुलजमां दे विचों 7 मुलजम पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं। 2 मुलजम जिहड़े है वो दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने गिरफ़्तार किए थे। उहदे च मेन मुलजम जिहड़ा है टीनू जिसनों इहदा ब्रदर बिट्टू इसनों दिल्ली पुलिस ने अजमेर तो अरैसट किया और उन्होंने अरैसट करके अपने केसा च इंटरग्रेट करके जो उन्होंने कोर्ट के दिल्ली पेश किया तो मानसा पुलिस की टीमों ने जाके प्रोडक्शन वारंट से असी इन्हों पंजाब पुलिस ले आता बिकॉज ये साढ़े मेन केसा चे लुड़ीदे सीगे। उन्होंने इंटरग्रेशन तो बाद जिहड़ा मेन मास्टरमाइंड निकलिया वो दीपक टीनू का ब्रदर है चिराग जिहड़ा कि इस सारा प्लैन करके CA स्टाफ के जिस तरह प्रितपाल की कनाइवेंस के नाल बाहर कढ़ा के इस अपनी सेंट्रो कार दे विच एस्केप करा के और एक महीना इधर उधर 18 रखने का जिम्मेवार सीगा। साड़ी CCTV फुटेज दे विच भी मास्टरमाइंड चिराग की कंप्लीट फोटो आई हुई हैं। तुहाडे पास बड़े स्ट्रोंग एविडेंस है कि वह सेंट्रो गड्डी जिहदे च भजा के लैके गया उसकी थां थां ते CCTV फुटेज भी लए ने वो भी असी रिकवर कर ली है। इस अलावा 4 गड्डियां रिकवर हुई ने और एक मर्सिडीज़ बेंज़ है जिहड़ी अगे अगे रैकी करती सी इन्हां दे रूट क्लीयर देखण लई वड्डी गड्डी यूज़ की थी इन्होंने रूट क्लीयर है कि नाका नहीं है बिकॉज इतों एस्केप करके गुगा मड़ी गए ने हनुमानगढ़ दे विच उतों सिंसे भजाउण दे विच जिहड़ा चिराग है वो दीपक टीनू का सका भरा है। तीसरा ब्रदर बिट्टू ये दोनों ब्रदर एक्टिवली कनाइव करके अपने रिश्तेदारियों च इन्हां रख्या इन्होंने कभी किसी घर किसी टाणी इन्होंने करीब जिहड़ा 20-25 दिन पुलिस तो अरैसट वेट की है। दीपक टीनू की अल्टीमेटली प्लैनिंग ये कि एक डुप्लीकेट या कह लो एक नवा पासपोर्ट बना के ते नेपाल के रस्ते जिहड़ा भजना चाहता सी लेकिन हिंदुस्तान दियां जिहड़ियां एजेंसीज ने या पुलिस फोर्सेज ने उन्हां दी बहुत स्ट्रोंग सर्वेलेंस के नाल ना तो इसका पासपोर्ट बन सकिया तो ना इस नेपाल राही जिहड़ा हिंदुस्तान चो बाहर भजन का एग्जिट रूट जिहड़ा मिलिया। सो फॉर्चुनेटली दिल्ली पुलिस अरैसट होने तो बाद ये साढ़े कब्जे च आया इसकी पुछगिछ करके इस असी इस ब्रदर चिराग के नाल एक होर सनी जिहड़ा कनाइव किया उस अरैसट किया। टोटल जिहड़ियां 9 गिरफ्तारियां हुई हैं मैं मीडिया अगे रिपीट कर देना प्रितपाल ऑलरेडी साढ़े को अरैसट सीगा प्रितपाल की अरैसट बाद ज्योति जिहड़ी लड़की नाल कनाइव करके एस्केप दे विच जिम्मेवार सीगी 3 अरैसटां असी पहलां ऑलरेडी पाईआं होईआं सीगीआं उहदे च आ जांदा सी कोहली एक गोरा एक कजामा। सो 5 बंदे पहलां अरैसट सी 4 दी अरैसट जिहड़ी आ हुण असी पा के मीडिया नूं असी शो करांगे उहनां दीआं फोटोग्राफ्स भी ने साडे कोल ते तुहाडे नाल शेयर भी करांगे
चार की रैसट असी पा के इन्हों को चार वैपन जोड़े थोड़े सामने पे है तो चार कारा असी रिकवर की। सो सारी रैस तो बाद इन्हें चार्जशीट कंप्लीट करके असी कोर्ट ऑफ लॉ के प्रोड्यूस करा। मैं सारी टीम को मुबारकबाद दिना कि ए जी टी एफ द सीनियर अफसर साहबान द गाइडेंस ऑफ अवर सीनियर अफसरस कि ये केस जोड़ा है कि असी सारा ट्रेस आउट कर लिया और सारे सारे मुलजम सूरी प्लैनिंग जी है वो असी जिस तरीके एस्केप किए सी वो सारी रिकवरीज हो गई। टोटल व्हीकल्स जीडिया एस्केप के भी यूज़ हुई वैपन्स और ऑल हैव बीन अरेस्टेड एंड रिकवरीज हैव बीन मेड। सर एक दीपक चंडीगढ़ डिस्क के किसी गैंगस्टर नाल इहदी पार्टी का प्रबंध होया सी जिसे चंडीगढ़ पुलिस ने पिछे जी गिरफ्तार किया कोई मोहित उसकी सोशल मीडिया से भी एक वीडियो बड़ी वायरल हो गई थी भी प्रितपाल जी ने लालच की दिता जी इंस्पैक्टर ने जो एडा काम किया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन तुसीं पुछिया सानू एक्सपैक्टेड सी मीडिया ने यह चीज़ पुछनी और असी दसनी भी है। प्रितपाल इंचार्ज सी आई ए जिसने कि कनाइव करके ये सारी चीज़ जी है एस्केप पॉसीबल हो सकी जिसनों पंजाब पुलिस ने डिसमिस करके परचा दर्ज करके एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी है वो इस गैंगस्टर दी गल्लां च आ गया। ये उसका सोर्स बन गया उसने इनू मतलब रादर टीनू नू एज ए सोर्स यूज़ करना शुरू कर दिता। टीनू ने कहा कि मैं तैनू गैंगस्टर फड़ा दूंगा होर वैपन्स दे देंगे और कुछ छोटा मोटा मॉनिटरी लालच भी दिता गया कुछ मनी 2-3 लाख की एक्सचेंज हुई जी साढ़े नोटिस आई है। टीनू ने इसनों लालच दिता और होर तरह की अजाशी के लालच दिते प्लस ये कहा कि मैं थोड़ा बहुत सारे गैंगस्टर जोड़े फड़ा दूंगा तो बहुत सारी रिकवरी हो जाएगी। तो प्रितपाल विदाउट वेरीफाई किए अपने सीनियर अफसर से कॉन्फिडेंस लाए बगैर एक मजे हुए गैंगस्टर की गलों के आके उसने एक बहुत वड्डी जी ब्लंडर कमिट किया जिसने साडा भी नुकसान कराया पुलिस डिपार्टमेंट का और अपनी सर्विस भी गवाई और आप एक क्रिमिनल की तरह बन के जेल के बैठा है। यस चिराग भगौड़ा सीगा उहदे खिलाफ़ परचा दर्ज है और असी बहुत ही हिम्मत दे नाल इस नूं अरैसट किया बिकॉज चिराग की अरैसट तो बगैर इस सारी इस केस की जिहड़ी पूरी इन्वेस्टिगेशन है पूरी चेन कंप्लीट नहीं होती सी। तो उहदे खिलाफ़ जिहड़ा प्रेस नोट है उसके खिलाफ केस की डिटेल बकायदा हैगी है वो तुसी देख सकते हो। सर जिन्ने दिन टीनू बाहर रहा क्या इस कोई गोल्डी ब्राड नाल कोई फोन पर गल हुई या जिहदा वे गैंगस्टर जिहड़े बाहर बैठे हैं तुम उस चले गए गोल्डी ब्राड हो गया या एक इहदे लॉरेंस दा एक गैंग दा है क्या इन्हां नाल इन्हां दी कोई गलबात है कोई फोन मिला? देखो जिहड़ी फॉरन एंगल है वो हजे फर्दर साडी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है बिकॉज सिद्धू मूसे वाले केस ते असीं चार्जशीट देती है लेकिन मेन मर्डर केस के जो फॉरन एंगल की इन्वेस्टिगेशन है वो साड़ी पेंडिंग है। वो खिलाफ़ रैड कॉर्नर नोटिस इशू किए गए हैं जिन्होंने प्लैनिंग करके सिद्धू मूसेवाले का मर्डर के इंजाम दवाया सीगा। वो इस इन्वेस्टिगेशन के कुछ चीज़ा आई हैं फॉरन एंगल जिहड़ा कि असी इस इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है मीडिया को रिवील नहीं कर सकते। फॉरन एंगल डेफिनेटली जिहड़ा चीज़ है वो मेन सिद्धू मूसेवाले केस के भी कुछ जो फॉरन गैंगस्टर्स इनवॉल्व है जिन्होंने पीओ बना के हिंदुस्तान सरकार की हेल्प के नाल रैड कॉर्नर नोटिस इशू करा के पंजाब पुलिस या सेंटर की एजेंसियां असी कोशिश करा उन्होंने असी बाहर के मुल्कों अरैसट करा के लेके आईए। नहीं देखो आप मैं समझता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फाइन रखी आप दीपक टीनू की एस्केप उसकी अरैसट उसकी कंस्पायरेसी जिन्हों लोगों ने कनाइव किया द वैपन्स यूज व्हीकल रिकवर्ड। अज साडा मकसद मीडिया अगे रूबरू होंदा सी कि मीडिया हमेशा राइट परस्पैक्टिव जिहड़ा है वो पब्लिक पास लैके जाता है। सो ये इन्वेस्टिगेशन साड़ी अज कंप्लीट है। यस ऑल 9 हैव बीन इनवॉल्व जिहड़े ने अरैसट हो गए ने। मैं आप जी ने दस्सिया कि 7 पंजाब पुलिस ने अरैसट कर ले 2 दिल्ली पुलिस ने अरैसट किए सी। असीं वी आर थैंकफुल टू दिल्ली पुलिस कि उन्होंने कोल रिसोर्सिज अच्छे ने क्योंकि ये गैंगस्टर जोड़े एक स्टेट ना तलक रखते हैं ये पैन इंडिया लैवल से मूव करते हैं रादर फॉरन चीना के लिंक ने। तो पुलिस फोर्सिज जी है एक स्टेट दूसरी स्टेट ना कोऑर्डिनेट करती है। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने बड़ा अच्छा काम किया असी उन्होंने टच सके उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की उन्होंने सानू दस्या भी फलां डेट में असी पेश करना है कि पंजाब पुलिस की टीम जो वारंट ऑफ अरैसट लैके प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ के असी इन्हों लैके आए हैं इन्हों पुलिस रिमांड ले
और ये सारी इन्वेस्टिगेशन जी इंटरोगेशन है असी इस पटियाले रख के की है। एक तो मैं एज आई जी पटियाला इतने पोस्टड सी, साडा सी आई ए पटियाला बड़ा वैल इक्विप्ड इंटरोगेशन सेंटर है और बड़ा सेफ एंड सिक्योर है और इतने ही बैठ के असी सारी इन्हां दी डे टू डे इंटरोगेशन करके सारी केस जी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है। वो देखो टीनू तो ऑलरेडी साढ़े को कस्टडी सीगा अंदर इन्हों कनैक्शन तो होंगे ही है जेल के सारा वो चीज़ भी असी सारी देख रहे हैं बिकॉज टीनू का रिमांड असी दोबारा भी लवेंगे एक्सटेंड करावे बिकॉज ये बहुत नोटोरियस गैंगस्टर है 58 केसिज इसते पेंडिंग ने पंजाब हरियाणा दिल्ली बहुत सारे केसिज के ट्रायल चल रहा है तो बड़ा खूंखार गैंगस्टर है। अरे एक प्रितपाल लास्ट क्वेश्चन है प्रितपाल जी का जो इन्हें गलों से लाया उन्होंने भी मैं थोड़ा बड़े बड़े प्यार पकड़ा रहा उस क्या कल प्रितपाल ही है जो होर भी कोई सी आई ए मानसा का जो हो। देखो इस चीज़ की बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की गई है सिट ने सिट के जब मैं आई जी लैवल का अफसर से AGTF के SSP मिस्टर कोमन होर सीनियर साहबान ने असी सारे CCTV कैमरे सारी डिटेल्ड पूछगिछ की है। प्रितपाल इस केस के कला ही उन्होंने ये सी कि मैं ये सारा काम अंजाम दे के क्रैडिट लवा और मैं उस बहुत बड़े गैंगस्टर को हाथ पा के फसले की वही रिकवरी करा के उन्हें एडा वा ब्लंडर किया और छोटी छोटी करप्शन जी कर दी कि 2 लाख ले लिया 1.5 लाख ले लिया अयाशी कर ली उस उत्ते उन्हें एडा वा ब्लंडर करके एक नामी गैंगस्टर को एस्केप कराने हेल्प की जिदे करके अरैसटड है। सर सिद्धू मूसेवाले के पिता का एक बयान आया कि भी मैं प्रितपाल जी ने रब मानता पर उन्होंने गैंगस्टर ना रल के दिता वो कहते कुछ बंदे प्रितपाल ने चके थे पर पुलिस वालों छड़े गए हैं क्या परिवार की इस जो बंद कहने जी मतलब उस बारे चल रही है सर जी गलबात। देखो मैं आप जी को दसना चाहना कि सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस एक वक्री SIT बनी हुई है उस हैड मिनिस्टर जसकरण सिंह IG साहब ने जो अच्कल फिरोजपुर IG रेंज पोस्टड है वो इन्वेस्टिगेशन वक्रे तौर पर अपना जोड़ा काम कर रही है वो इन्वेस्टिगेशन चार्जशीटा कई सबमिट हो गई अंडर ट्रायल ने लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने को पेंडिंग ने यह सवाल जोड़ा उन्होंने पूछा जा सकता है। प्रितपाल जी ने बुला के छे मेरा क्वेश्चन नहीं वो मैं दसा ना जेडे उस इन्वेस्टिगेशन के मतलब चीज़ा ने उसका जवाब उस IG साहब को पूछ सकते हो मेरा एंगल जोड़ा वो दैट वॉज एस्केप ऑफ टीनू पीपल इनवॉल्व इन इट जिन्होंने असिस्टेंस की कनाइवेंस की और गड्डियां वर्तियां गई वैपन्स यूज हुए वो सारे असं रिकवर कर ले। थैंक यू 100% APRO साहब।